हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, सुंदर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में बतला रहा हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% सत्य है कि वो टॉपिक जो है सो कामयाब होगा ही। जैसे कहा जाता है ना कि असल असल ही होता है और गड़बड़ गड़बड़ ही होता है, इसलिए जो असलियत है उसी को मैं आप लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूँ। हम लोग जो है जितना नए नए यूट्यूबर हैं बहकावा में बहुत से पढ़ रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हम लोगों को बरगला करके झूठा साचा माने वीडियो बना बना करके हम लोग को दिखाते हैं और देख करके हम लोग जो है सो बहुत ललायत होते हैं देखने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए इतना माने अट्रैक्शन उसमें बात करते हैं लोग शुरू शुरू में, शुरुआत में इतना अट्रैक्शन, इतना ही लालच भरा बात करते हैं लोग कि हम लोग उन लोगों के बहकाव में आ जाते हैं और बहकाव में आकर के अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद बोलेंगे अच्छा कौन जो हम जो कि हमारे लायक होगा, हम उसे माने मोटिवेटेड होंगे और हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा, हमारा वॉच टाइम आगे बढ़ेगा। इस लालच में जो है सो हम लोग उनके वीडियो को देखना चाहते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या, मगर लास्ट में पता यही चलता है कि कुछ नहीं, दो लफ्ज बतलाए हैं कि वीडियो जो भी बनाना है कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो इसी विषय पर हम आप लोगों को आज एक ऐसा माने बात बोलूंगा, सारा व्यक्ति का सारे यूट्यूबर लोगों का वीडियो देख देख करके मैं पक चुका हूं और उन्हीं लोगों के बातों को सुन करके मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि आप लोगों के ज्यादा बहकावा में न पड़े और ये कीजिएगा तो ऐसे आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, वो ये कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे ऐसे बहकावे में हम लोग को नहीं पड़ना है। बस एक ही को ध्यान रखना है दोस्तों कि हम लोग जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो सॉलिड और सटीक होना चाहिए, जो भी है उसमें सत्यता होना चाहिए। सत्य रहेगा तो सत्य कैसे तो कहा जाएगा, थोड़ी देर के लिए ओझल होता है मगर लुप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जो भी कंटेंट लेकर के अपना वीडियो शूट करना है, बनाना है, बहुत सोच समझ के बनाना है ताकि देखने वाला शुरू से लेकर के लास्ट तक ले देखते रहे और देखते देखते उसका जी भरे का नाम न ले, जी न भरे उसका माने और देखे और देखे और देखे माने मैग्नेटिंग पावर उसमें पूरा भरना उड़ाना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है सो बहकावे में नहीं पड़ना है और हम लोग अपने कंटेंट को टंच रखना है, अपने कंटेंट को बढ़िया से बरकरार रखना है। कभी कभी ये वीडियो लोड कर दिए तो कभी वो वीडियो लोड कर दिए तो कभी ऐसे कर दिए तो कभी वैसे कर दिए, 50 गो डाढ़ पर हम लोगों को नहीं जाना है। जिसका जो कंटेंट है, जिसका जो व्यू है, वही लेकर के हम लोगों को चलना है और उसी से हम लोग जो है सो प्रोग्रेस करेंगे। समय तो लगता ही है, इसलिए कुछ तो कहा जाता है ना कि तरुअर फल खेतक सींचो नील, जैसे तरुअर के पेड़ को पानी जितना डालिएगा वो समय पर ही जाकर के फलेगा फूलेगा। तो हम लोग चाहे कि आज लगावे पेड़ और कल से फलना शुरू कर दे, इतना नहीं हम उसमें पानी सींच दे, उसमें गोबर दे दे, खाद दे दे, केमिकल दे दे ताकि हमारा पेड़ 2 दिन में तैयार हो जाए और तैयार होकर के और फलने लगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा होगा तो क्या होगा, पेड़ बहुत जल्दी टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं ना पेड़ पौधे लगाने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छा ताकत मिलता है तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, अब बढ़ करके एक हवा के झोंका आता है तो टूट करके गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे समय पर जो अपना कामयाब होता है, समय पर अपना जो ताकत दिखाता है और समय पर जो मजबूती दिखाता है वो टिकाऊ होता है, टिकता है, वो जल्दी खत्म नहीं होती। इसलिए हम लोगों को ऐसे कंटेंट को अपने अपने लेकर के चलना है ताकि उस कंटेंट से हम लोग जो है सो कभी झुके नहीं और रुके नहीं,
जो वीडियो जितना जो व्यक्ति डालते हैं, 2 वीडियो डालते हैं, 4 वीडियो डालते हैं, 10 वीडियो डालते हैं, 5 वीडियो डालते हैं, अपना उसी रफ्तार से चलना है, डालते रहना है, अपना वीडियो जो है सो लोड करते रहना है। इसी तरह हम लोग का जो है सो लास्ट में पता चला है कि हम लोग का जो है सो वॉच टाइम पूरा हो गया और सब्सक्राइबर भी बहुत से बढ़ गए और जो है सो व्यूअर भी हमारा कामयाब हो गया, तब जा करके हम लोग जो है सो अपना मोनेटाइज कर लेंगे। इसलिए घबराना नहीं है, समय पर सब कुछ मिलेगा और सब कुछ कबूल होता है, सब कुछ जो है सो प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं है, अपना काम करते रहना है, करते रहना है और करते करते अपने मुकाम पर पहुंच जाना है। खरगोश और का कहा जाता है वो जो कछुआ वाला चाल जो होता है, ऐसे नहीं अपनाना है हम लोगों को, खरगोश जैसा हम लोगों को नहीं बनना है, हम लोग कछुए चाल में चलना है, बाकी अपने मुकाम पर अपने समय पर ही पहुंचना है। अब टिकाऊ होना है, टिकना है, टिकना है, कहा जाता है ना, ये कीट लो और टिक लो। तो कीट लेने के बाद में जब उसका अध्ययन करते हैं और टिके हुए रह जाते हैं तो एक दिन मुकाम हम लोगों को मिलता ही है, और मुकाम मिलेगा तो हम लोग जो है सो पैसा कमाएंगे, कमाएंगे, जरूर कमाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कमाएंगे। अब इतना जल्दी हम लोगों को नहीं करना है कि अब कुड़िए माटी गिर जाए, खा ले, दांत टूट जाए, वैसा काम नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को अपना धीरे धीरे चलना है, अब कंटेंट को बना कर रखना है, सब्सक्राइबर को बरकरार रखना है, हमारे सब्सक्राइबर जो भी व्यक्ति हैं जितना भी हैं वो हमको देख करके संतुष्ट रहें, बस इतना ही सोचना है हम लोगों को, इतना ही कंटेंट लेकर चलना है, इतना ही उनके दिमाग में भरना है कि हमारा सब्सक्राइबर जो है सो भागे नहीं, जो भी है सब्सक्राइबर संतुष्ट रहें और संतुष्टि से हमारे वीडियो को देखते रहें, हम भी उनको लाइक करते, हमारे हम हमारे चैनल को लाइक करते रहें और जो है सो हम भी उनको ऐसे ऐसे वीडियो दिखाते रहें, लोड करते रहें, ताकि देख करके उनको भी इच्छा की पूर्ति हो, खुशहाल हो, खुश रहें, और वो खुश रहेंगे तो हम लोग भी आगे महे बढ़ेंगे। हमारा वीडियो चैनल जो है रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण, हमारा चैनल का नाम है रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे तो हम भी खुशहाल रहेंगे, आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। मेरा चैनल का नाम है रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण, और इस वीडियो को आप थोड़ा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं, इसलिए कि सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी बोलने में, हमको भी वीडियो बनाने में मजा आएगा, हमको भी थोड़ा सा, नहीं कहा जाता है कि जैसे आदमी मजदूरी करता है और मजदूरी ही ना मिले तो मजदूरी करने का मजा मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। इसलिए जो मजदूरी जो भी व्यक्ति करता है तो मजदूरी का मजा, मजदूरी जो मिलता है तो मजदूरी करने का भी इच्छा करता है और मन लगा के काम करता है। तो ऐसे हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, रामनाथ प्रसाद राजापुर सारण। थैंक्स दोस्तों, तब आप लोग जो है सो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और हम आप लोगों को दिखाते रहें, और बहुत से ज्ञान हम धीरे 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 अर्जन कर करके आप लोगों को देते रहेंगे। नए यूट्यूबर लोग हमारे जो है, जो भी है हमारे भाई हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि घबराए नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा, अपना काम करते रहें और अपना इस पर मुस्तैद रहें, तैयार रहें, जो भी कंटेंट है उनका, जो भी उनका वीडियो है और उस पर जो है सो बरकरार रहें, और जो भी वीडियो डालने का रेट है, जैसे दिन भर में 3 वीडियो डालते हैं, 4 वीडियो डालते हैं, 5 वीडियो डालते हैं या 8 वीडियो जो भी डालते हैं, वही रफ्तार अपना चलाते रहें। इस तरह रफ्तार चलते रहेगा, बरकरार रहेगा तो YouTube को भी देखिए, YouTube एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जो भी चढ़ेगा जरूर YouTube जो है सो उसके वीडियो को आगे महे भेजेगा, वो अपने पास कोई वीडियो नहीं रखता है, उसके पास जो भी जाता है वीडियो वो आगे महे भेजबे करता है, इसलिए भेजता है कि देखता है कि उसका मैंने देखने वाला व्यूअर जो है व्यूज कितना आ रहा है, जब व्यूज आ रहा है तो और आगे भेजता है, 40 व्यूज आया तो 80 लोगों के पास भेजता है, 80 व्यूज आया तो 200 लोगों के पास भेजता है, 200 व्यूज आया तो 500 लोगों के पास भेजता है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका जो है सो कंटेंट का वीडियो का व्यूज बढ़ेगा, वैसे वैसे यूट्यूब जो है सो आगे मैं भेजते जाएगा और दर्शकों के पास पेश करते जाएगा और आपका व्यूज गिरते जाएगा, बढ़ते जाएगा आगे में है।
और सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएंगे। इसलिए यूट्यूब पर विश्वास रखना है हम लोगों को कि यूट्यूब जो भी करता है इंसाफ करता है, उसके यहाँ घपलाबाजी नहीं होता है। घपलाबाजी करने वाले यूट्यूबर लोग होते हैं, बड़े हो छोटे हो, चाहे 420 हो चाहे एक नंबर हो, जो भी हो, वही लोग जो है इधर से उधर उधर से उधर और बरगलाते रहते हैं लोगों को। मगर यूट्यूब कभी गलत नहीं करता है दोस्तों, इसलिए यूट्यूब के ऊपर हम लोगों को विश्वास करना है और विश्वास कर के ही हम लोगों को आगे बढ़ना है दोस्तों, एकदम मुस्तैद रहना है। और थैंक यू आप लोगों को, जय हिंद।